ସଭଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଆଉ ଖୁସ୍ ପରା ତ ଆଜ ହମ ସବ ଏକ ବହୁତ ହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ ଶୁଣି ସୁସମାଚାର ମେ ଧନ୍ୟା ହେ ୱେ ଜୋ ନହିଁ ଦେଖେ ହେ पर विश्वास करते हैं। जो लोग यीशु कह रहे हैं मुझे नहीं देखा है शारीरिक रूप से, थॉमस संत थॉमस जैसा, फिर भी वे विश्वास करते हैं। और किसके बारे कह रहे हैं प्रभु, किसके बारे कह रहे हैं? यहाँ जो कोई बैठे हुए हैं इस प्रकार से टेंट के नीचे धूप में बैठे हैं और एक साथ गाना गा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, उनके विषय हमारे विषय में, क्योंकि हम लोग, मैं और आप लोग और पुरोहित भाई लोग, मेरे पुरोहित भाई लोग जरूर ही ना तो पुनर्जीवित यीशु को देखे हैं इसे ही शारीरिक रूप से पुनरुत्थित होते हुए जिस प्रकार चेलों ने देखा, और न उसके पहले 33 साल के बीच में हम लोग नहीं देखा है, लेकिन जानते हैं सुने हैं। जो लोग देखे हैं अनुभव के वे बताए, उनके बात पर, उनके बातों पर हम विश्वास करते हैं और ये जरूर विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। हम ही लोगों को प्रभु धन्य कह रहे हैं और विशेष रूप से आप लोग जो छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कहाँ कहाँ से आए हैं यहाँ बम्बई, उधर के लोगों के लिए तो बम्बई स्वर्ग से भी पा रहे हैं, ऐसी जगहों से आए हुए हैं और यहाँ पर विश्वास नहीं खोए हैं, विश्वास को नहीं खोए हैं और मेरी उम्मीद है कि आप लोग नहीं खोएंगे, खो देंगे कि अरे सो रहे हो कि वो जो मिटमिटा के बैठे हो, तो नहीं ना खोएंगे। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर एक साथ ओडिशा का बिशप तो आते रहता है, निशा पूजा करते रहता है, क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है। ऐसा हाल में आ जाता हूँ क्योंकि आप लोग जैसे मुझे प्यार करते हैं मैं भी आप लोगों को प्यार करता हूँ, इसलिए आ जाता हूँ मौका मिलने से और पवित्र निशा पूजा में एक साथ हम प्रार्थना करते हैं। और मेरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम लोग ये विश्वास जो प्रभु पर किए हैं नहीं खोएंगे। हमारा विश्वास कि प्रभु पुनर्जीवित हुए हैं, जिसे एक बार हम मनाए पास्का पर, आप मेरे उधर तो सबदूर, मेरे उधर केवल नहीं सबदूर, हजारों लाखों ख्रिस्तान लोग भाग लेकर प्रभु को धन्य मनाए, प्रभु को धन्य कहे, क्योंकि अनोखी बात, ऐसा कभी नहीं होने वाला बात हुआ, वो जो हमारे मुक्तिदाता भयंकर कष्ट सहते हुए मर गए क्रूस में, बहुत जगहों पर उसका एक्टिंग किया गया, दफनाए गए, पुनरुत्थित हुए, गौरव के साथ हमारे साथ हैं और रहेंगे, ये तो हमारा विश्वास है। और ये अनहोनी बात हम विश्वास करते हैं और हो रहा है सच में, अचरज कम सब हो रहा है, बहुत अनहोनी घटनाएं सब हो रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले, हमको दिल्ली हमारे बिशप्स कॉन्फ्रेंस का जो सेंटर है वहाँ से मैसेज मिला व्हाट्सएप में, मैं गोरेटी को भी दिया व्हाट्सएप दिए कि रायपुर तरफ, रायपुर के पास में ऐसा ही टेंट बनाए, बहुत बड़ा टेंट, और उसमें घर वापसी का समारोह मनाने वाले थे। घर वापसी की हम लोग जो छोटा नागपुरिया क्रिश्चियन लोग हैं अपने घर वापस जाएंगे, कौन सा घर उनके हिसाब में, हमारे जो पुरखे धर्म में थे वो धर्म, हम तो हिंदू नहीं हैं ना थे, हम लोग तो आत्मा के
आराधना भक्ति करने वाले स्पिरिट वर्शिपर्स बोलते हैं। सब कुछ में हमारे आत्मा है, ये विश्वास हमारे आदिवासियों का था। तो उनको घर वापसी लेने वाले इस प्रकार भाई टेंट बनाया और जसपुर का राजकुमार आ रहा था, वो थोड़ा पैर धोता और ऐसा करके घर वापसी होते थे। लेकिन वो संदेह मैसेज के अनुसार ऐसा जब हो रहा है, इस प्रकार लोग एकत्रित हुए हैं, ना मालूम कहाँ से आंधी तूफान आ गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। आंधी तूफान इतना जोर से हुआ, सब लोहा लंकड़ है सबको उठा पटा के पटक दिया, उठा पटा के फेंक दिया। लोग डर गए, भयंकर डर गए, क्या हो रहा है। वे कहने लगे राक्षस किया है, वे कहने लगे राक्षस किया है। हम लोग राक्षस किया है नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे प्रेमी ईश्वर ने हमें बचाया। अपने ऊपर प्रेम करने वाले, अपने ऊपर विश्वास करने वालों को बचाया, ये हमारा विश्वास है। और ये विश्वास सच्चा विश्वास है। और इसी प्रकार से हम प्रभु के विश्वास में और भी मजबूत बनते जाएं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं और रहेंगे। आज के त्यौहार सफेद इतवार, निष्कलंक इतवार, डिवाइन मर्सी, प्रभु के महान प्रेम को, प्रेम के लिए धन्यवाद देने का ईश्वर, जो हमारे लिए पैदा हुए मनुष्य बने, भयंकर कष्ट सहते हुए मर गए क्रूस पर, दफनाए गए, पुनरुत्थित हुए, हम हमारे लिए, हम हर एक जन को मुक्ति देने के लिए, तो हम क्यों घबराएं, क्यों डरें और क्यों ही हमारे विश्वास में डगमगाएं। ऐसा कभी होने नहीं देंगे और ना होगा, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं, हमारे साथ एक पुरोहित फादर सेन है, फादर पौलुस मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मिसा पूजा के समय बहुत मुस्कुराना अभी एक्चुअली ठीक नहीं है। फिर फादर अंजू तो नहीं दिख रहे हैं, पर कहीं सोच विचार में होंगे, क्योंकि उनका सोच और पहुंच का सोच तो एक है। और इस प्रकार से गोरेटी और वैलेंटाइन और कितने हैं, इधर एक झारखंड से भी आ गया, क्या नाम है, राजीव अजय, वो भी आ गया, और आप लोग भी इधर उधर इधर उधर से आए हुए हैं। ये तो प्रभु के प्रेम को अनुभव करने के लिए और एक साथ मिलकर निष्कपट, जिस प्रकार हम लोग सुने पहला पाठ में, निष्कपट हृदय से, ना तो किसी के ऊपर ईर्ष्या है, झगड़ा है, ना कुछ है, निष्कपट हृदय से हम आज त्यौहार को मनाएंगे और उसी प्रकार से हम आगे बढ़े, निष्कपट हृदय से, ये हमारा बुलाहट है। क्योंकि हमको कहा जाता है, मैं भी वही छोटानागपुर एरिया के हूँ, इसलिए कहते हैं लोग, तुम लोग ऐसा एक उंगली को हमारे घर, तुम लोग गोल्ड मेडल, मैं बीती बार भी कहा था, गोल्ड मेडल पाने वाले हो, क्या के लिए, इसगा के लिए, भयंकर इसगा हमारे बीच में है। गोल्ड मेडल अभी अभी जल्दी हम लोग को मिल जाएगा, देखो गोल्ड मेडल पाने वाले हैं।